morning, children. How are you all? I hope you all are fine. So, the study time. Today, I will teach you something about the family. So, I will define this family. Family is a social group of people who stay together under the same roof in a society. It consists two or more adults like parents and grandparents and young children and who are bound in a relationship by birth or blood. They are collectively known as family members. So you can understand it. जब हम एक घर में रहते हैं स्वीट होम में सारे मेंबर्स यानी मम्मा पापा भाई बहन और ग्रैंड पेरेंट्स साथ में रहते हैं तो हम उसको फैमिली बोलते हैं ओके सो फर्स्ट आई विल शो वन पिक्चर इन दिस पिक्चर यू कैन सी अ लविंग मदर इन दिस पिक्चर यू कैन सी लविंग मदर सो मदर इज अ रियल ब्लेसिंग ऑफ गॉड मदर इज अ रियल ब्लेसिंग ऑफ गॉड यू नो आपकी मम्मा आपको बहुत प्यार करते हैं ना तो मम्मा इज अ ब्लेसिंग एंड देर इज नो मैच फॉर द लव ऑफ मदर आपकी माँ से ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकते एंड शी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर एवरी वन इज अवेक वो सबसे पहले मॉर्निंग में उठती हैं एंड शी हेल्प्स यू टू गेट रेडी फॉर स्कूल शी हेल्प्स यू टू गेट रेडी फॉर स्कूल वो स्कूल जाने के लिए भी आपको तैयार करती हैं एंड शी इज वन हु ऑलवेज टेक केयर ऑफ ऑल नीड्स ऑफ हर फैमिली मेंबर्स जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं आपके पापा आपके दादा दादी आपके सिस्टर ब्रदर सबकी केयर कौन करते हैं मम्मी करती हैं तो शी इज अ की ऑफ हाउस एंड शी कुक्स डेलिशियस फूड फॉर यू यू नो जब आपको रसगुल्ला खाना होता है कौन बनाता है मम्मा बनाती है ओके बहुत यम्मी फूड बनाती हैं आपकी मदर तो शी इज अ गुड कुक एंड शी कुक्स डेलिशियस फूड फॉर यू ओके सो यू कैन अंडरस्टैंड इट नाउ आई विल शो द नेक्स्ट पिक्चर इन दिस पिक्चर यू कैन सी अ गर्ल इज सिटिंग विद हर फादर आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है इस पिक्चर में आपको दिख रहा है एक गर्ल जो है वो अपने पापा के साथ बैठी हुई है You can see in this picture. So, I will tell something about the father. Father is the one who fulfills your needs and wishes without complaint. जो हमारे पापा होते हैं जो हमारे फादर होते हैं वो हमारी सारी विशेस पूरी करते हैं इफ यू वॉन्ट चॉकलेट अगर आपको चॉकलेट चाहिए तो who will give you? Your papa. And if you want new frock, new dress, who will give you? Your father. Okay? And he takes care of entire family. पूरी फैमिली की कौन केयर करता है Father. Your father. And he helps you in study. आपकी स्टडी में भी हेल्प करते हैं आपके फादर ओके एंड ही प्ले मैनी गेम्स विद यू वो कई सारे गेम्स भी खेलते हैं आपके साथ यू नो ना आप बोलते हो पापा हमको बाहर खेलने जाना है तो आपके फादर आपको बाहर लेके जाते हैं ना तो ही प्ले मैनी गेम्स ही प्लेज मैनी गेम्स विद यू एंड ही फुलफिल्स ऑल योर डिजायर्स सो ही टेक्स केयर टू मच So, I will show the next picture. Oh, in this picture, you can see a beautiful sister. She is beautiful. See the picture? Sister. Sister is very important for you. And she teaches you how to respect our elders. आपको sister बताती हैं कई सारी चीजें जैसे हमको कैसे अपने बड़े को respect करना चाहिए. And you play many games with your sister. आप अपने सिस्टर के साथ कई सारे गेम्स भी खेलते हैं आपको होमवर्क में भी आपकी सिस्टर हेल्प करती है एंड शी हेल्प योर मदर आपके मम्मा की भी हेल्प कौन करता है आपकी सिस्टर करती हैं अगर वो बड़ी हैं तो और अगर छोटी है तो नहीं लेकिन बड़ी सिस्टर हेल्प करती है मम्मा की ओके एंड इफ यू हैव सम प्रॉब्लम देन यू कैन शेयर इट विद योर सिस्टर
अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप किसके साथ शेयर कर सकते हैं? अपनी सिस्टर के साथ. यू कैन शेयर ऑल द प्रॉब्लम्स विद योर सिस्टर, सो शी हेल्प्स यू अ लॉट. एंड यू कैन सी इन दिस पिक्चर शी इज अ स्वीट सिस्टर. नाउ आई एम कमिंग द नेक्स्ट पिक्चर. ओह, हेल्पिंग ब्रदर. यू कैन सी द पिक्चर. Here's a helping brother. Brother is just a friend. जो भाई होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? Friend जैसे होते हैं. Brother is very caring and loving. आपके जो brother होते हैं वो आपको बहुत प्यार भी करते हैं और आपकी बहुत care भी करते हैं. And he takes care when mom and dad go outside. वो आपकी care जब करते हैं, जैसे मम्मा पापा घर पे नहीं होते हैं तो आपकी care भाई भी करते हैं, okay? And he shares his toys. और अपने toys भी share करते हैं आपके साथ. तो आपके जो brother हैं वो आपको help करते हैं. And if you have helping brother, then you are very, very, you are too much blessed. Okay? So you can see in this picture, here is a helping brother. Now we are coming on the next picture. In this picture, you can see grandparents. See the picture? Grandparents and the kids are enjoying the company of the grandparents and they are laughing too much. Oh, grandparents loves children more than their parents. हमको मम्मी पापा से भी ज्यादा कौन प्यार करता है? Grandparents. वो आपको बहुत प्यार करते हैं और आपके साथ कई सारे गेम्स खेलते हैं. They are the root of the family. वो हमारी फैमिली की रूट होते हैं, उनसे ही हमारी फैमिली स्टार्ट होती है. और वो आपको कई सारी स्टोरीज भी सुनाते हैं. एंड दे हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस. उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है क्योंकि उन्होंने एक बहुत लंबी लाइफ अपनी स्पेंड की हुई होती है. तो यू कैन एंजॉय द कंपनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स. और वो आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं. ग्रैंड पेरेंट्स सर्व्स एज रोल मॉडल फॉर ग्रैंड चिल्ड्रन. They teaches you many things by many stories. आपको वो बहुत सारी चीज़ें भी सिखाते हैं. आपको वो respect करना सिखाते हैं. And you can learn many things from your grandparents. And you know, grandmother makes yummy laddus for you, you know. Then you say, ये मेरी दादी ने बनाया है. Then you can say. So you can understand the role of the grandparents with the picture. So we are coming on the next picture. So I will tell you something about the families. There are the two families types. First is nuclear family. First is nuclear family. And you can see in this picture, mama, papa and their kids. It's called the nuclear family. When there is only mummy, papa एंड उनके बच्चे, तो ये होती है न्यूक्लियर फैमिली. मदर, फादर एंड देयर चिल्ड्रन इज अ न्यूक्लियर फैमिली. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फैमिली. ओके, यू कैन सी इन दिस पिक्चर. सो आई विल शो द नेक्स्ट पिक्चर. Oh, this is the second type of the family, joint family. It is called the joint family. A joint family is a large family. A joint family is a large family. Where the grandparents, you can see in this picture. You can see in this picture grandparents, father, mother, auntie, uncle, and their children. They live unitedly. They live unitedly under one roof. You can see in this picture. You can see in this picture. आपको इस पिक्चर में दादाजी दिख रहे हैं और मम्मी पापा दिखते हैं, अंकल आंटी दिख रहे हैं और उनके children. So you can see this is a joint family. This is the joint family. So kids, I hope you can understand the concept of the family.
So, I will give you homework. Play games with your family members and enjoy your family. Bye-bye. Take care.